हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है एडवांस न्यूटिच के सिट्रलिन। तो सिट्रलिन क्या है, ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इसका डोजेस, बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आई होप वीडियो के अंत तक आपके सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से दिखता है एडवांस न्यूटिच के सिट्रलिन। सिट्रलिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड 3 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनिंग। इस बारे में पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप लोग ये जानते हो, और जो लोग नए हैं और पहली बार इस फेस को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, जो हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाते उसे हमें फूड से कंज्यूम करना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बनाते हैं, हमें उतना जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम ले सकते हैं। दोस्तों सिट्रलिन हमारे बॉडी खुद प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या एथलेटिक हो तो आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ये सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आर्जिनाइन और ग्लूटामिन के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। आप यो वाला वीडियो देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो सिट्रलिन जब हम फूड से या सप्लीमेंट के रूप में कंज्यूम करते हैं तब क्या होता है, आपके किडनी सिट्रलिन को कन्वर्ट कर देता है आर्जिनिन के रूप में, और आर्जिनिन क्या करता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके ब्लड वेसल्स में वो ट्रैवल करता है तो आपके ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों मैंने आर्जिनिन के बारे में रिव्यू किए थे, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ये भी सेम काम करता है सिट्रलिन। सिट्रलिन किडनी में जाता है और किडनी उसे आर्जिनिन के रूप में रिवर्स कर देता है, और आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड फ्लो तेज होगा ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स आपको अपने फूड से मिलता है वो ट्रेवल करेंगे ब्लड फ्लो के साथ, वेंस पॉप अप होंगे, वास्कुलरिटी आप मिरर में देख सकेंगे, वर्कआउट के दौरान आपको अच्छा पंप मिलेगा और आपके मोटिवेशन लेवल अप हो जाएगा, आप अच्छे तरह से वर्कआउट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर और एक बात मैं आप लोगों को कह देता हूँ, आप वास्कुलरिटी तभी देख सकोगे जब आपके बॉडी फैट सिंगल डिजिट में होगा, मतलब बॉडी फैट लो होगा, तब यह सिट्रलिन का मैजिक आप देख सकोगे। मैंने कवर किया है इसके ऊपर, आर्जिनिन का वीडियो आप जरूर चेक करना। दोस्तों दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, दोनों ही नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है और काम भी एक ही टाइप का करता है। लेकिन अगर आप आर्जिनिन का ओवरडोज करेंगे, 10 ग्राम से ज़्यादा लेंगे, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, और अगर आप सिट्रलिन का ज़्यादा डोजेस लेंगे तो आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको पंप चाहिए, वास्कुलरिटी चाहिए तो आपको सिट्रलिन बहुत ही हेल्प करेगा। आप 1000 मिलीग्राम के एक सर्विंग ले सकते हो और दिन में 3 सर्विंग तक आप ले सकते हैं। आप किसी भी समय सिट्रलिन को यूज कर सकते हैं। 3 ग्राम इसका मिनिमम डोजेस है, आप इसका अप टू 10 ग्राम तक ले सकते हो। तो दोस्तों वर्कआउट के लगभग 40 से 60 मिनट पहले आप 5 ग्राम सिट्रलिन ले सकते हो एज ए प्री वर्कआउट के रूप में। तो उससे क्या होगा, वर्कआउट के समय आप बाहुबली बन जाओगे, आपके मसल्स में पंप मिलेगा और वास्कुलाइट भी मिलेगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। सिट्रलिन का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया तो ये बिल्कुल ही सेफ है। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप वाटरमेलन का यूज कर सकते हैं, इसमें नेचुरली सिट्रलिन मौजूद होता है, और आप लोग बीन्स, हर तरह का दाल और मीट से भी आपको सिट्रलिन मिल जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं मिलेंगे, सो सप्लीमेंट के जरिए आपको इसका ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा। दोस्तों एडवांस न्यूटिच के सिट्रलिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है, मतलब ये वैल्यू ऑफ मनी है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पसंद आए तो आप खरीद भी सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ,
अगर आपको पहले से ही आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, आप मेडिकल कंडीशन में हो, मतलब आप दवाई वगैरह लेते हो, तो इसे यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।